हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्टडी क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, पंचलाइट कहानी का सारांश। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्ज़ाम में हर साल पूछा जाता है। ये आपके पूरे के पूरे 5 मार्क्स का बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। पंचलाइट कहानी का सारांश हम बताएँगे बहुत ही सरल शब्दों में, ठीक है। यदि आप लोग क्लास 12th में हैं और बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे द्वारा बनाए गए प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच पाएगी और आप अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर पाएंगे और बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला पाएंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा हम आप क्वेश्चन दिखा देते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछते कैसे हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स रहते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है। तो आज हम आपको वही दिखाने वाले हैं। ये देखिए क्वेश्चन दिया है, पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए, ठीक है। आपको पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द तक लिखना होता है, ठीक है। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं, ध्रुव यात्रा अथवा लाठी कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। आपको ये 6वां नंबर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिया गया, आपको इसमें से एक कोई करना है, या फिर पंचलाइट अथवा कहानी का सारांश लिख सकते हैं, इन दोनों में से कोई एक, या फिर इन दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये पंचलाइट कहानी का सारांश और बहादुर कहानी का सारांश बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने बहादुर कहानी का सारांश ऑलरेडी बता रखा है, यदि आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो उसको जाके देख लीजिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचलाइट कहानी का सारांश भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा हम आपको इस कहानी का सार बता देते हैं। इस कहानी में एक गुलरी काकी हैं, ठीक है, ये मुनरी की माता हैं, ठीक है। मुनरी इनकी बेटी है और ये मुनरी जो है ये इसमें युक्ति है, और एक ये युवक नाम से एक युवक है, उसका नाम है गोधन, उससे ये प्रेम करती है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। सबसे पहले आपको लिखना कैसे है, आपको पंचलाइट कहानी का सारांश हेडिंग डालना है, उसको हाईलाइट करके आपको लिखना है। स्टूडेंट्स, आपको हम बता देते हैं, अपनी राइटिंग पर विशेष ध्यान दीजिएगा और बोर्ड एग्ज़ाम में रेड पेन का यूज़ मत कीजिएगा, आप लोग ब्लैक और ब्लू का ही यूज़ कीजिएगा और अपनी राइटिंग पर भी विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि राइटिंग पर भी अच्छे नंबर मिलते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपको पंचलाइट कहानी का सारांश हेडिंग डाल लेना है, उसके बाद उसमें लिखना है, फणीश्वर नाथ रेडू जी द्वारा लिखित इस कहानी में ग्रामीण जीवन का वास्तविक चित्र खींचा गया है, ठीक है। गाँव के महत्व टोली में कुछ अशिक्षित लोग हैं, अशिक्षित मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, ठीक है। इन्होंने रामनवमी के मेले से, रामनवमी का जो मेला होता है उस रामनवमी के मेले से एक पंचलाइट खरीदा। सबको पंचलाइट खरीदने की प्रसन्नता थी, मतलब सभी लोग पंचलाइट खरीदने से बहुत ही खुश थे, ठीक है। इस खुशी में कीर्तन का आयोजन किया गया, इतने खुश थे कि वो लोग कीर्तन का आयोजन किए। थोड़ी देर में टोली के सभी लोग पंचलाइट देखने के लिए एकत्र हो गए। सरदार ने पंचलाइट खरीदने का पूरा किस्सा लोगों को सुनाया। वो जो सरदार थे वो वहाँ पे एक मतलब उस टोली के जो सरदार थे वो लोगों को पंचलाइट खरीदने का पूरा किस्सा सुनाया, लेकिन प्रश्न यह पैदा हुआ कि पंचलाइट को जलाएगा कौन, क्योंकि इसे सीधे साधे लोग नहीं जला पाते थे। खरीदने से पहले यह बात किसी के मस्तिष्क यानी कि दिमाग में नहीं आई थी, ठीक है। खरीदने से पहले ये कोई नहीं सोचा था कि आखिर इसे जलाएगा कौन, ठीक है। आज किसी ने अपने घर पर ढेवरी भी नहीं जलाई थी, किसी ने, इतने वो लोग प्रसन्न थे कि उन्होंने अपने घर में ढेवरी भी नहीं जलाई थी। पंचलाइट नहीं जलने से पंचों के चेहरे उतर गए, सभी लोग उदास हो गए कि पंचलाइट नहीं जली, ठीक है। गुलरी काकी, मैंने बताया कि इसमें गुलरी काकी हैं, उनकी बेटी है मुनरी, ठीक है। तो गुलरी काकी की बेटी मुनरी वहीं बैठी थी, गुलरी काकी जो बेटी थी मुनरी वो वहीं बैठी थी। मुनरी गोधन से प्रेम करती थी, जैसे मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि मुनरी गोधन से प्रेम करती थी। उसे पता था कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है, मुनरी को पता था कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है, लेकिन पंचायत ने गोधन का हुक्का पानी बंद कर रखा था। अब क्यों बंद कर रखा था ये भी जान लीजिए। गोधन जो है वो मुनरी के घर के सामने से जब निकलता था तो वो सलीमा का गाना गाते हुए निकलता था,
ठीक है, ये जो सिनेमा का गाना होता है वो सिनेमा का गाना गाते हुए निकलता था मुनरी के घर के सामने से। तो मुनरी की जो माँ थी गुलरी काकी, वो पंचायत से जाके शिकायत कर देती हैं। तो पंचायत जो है वो गोधन का हुक्का पानी बंद करके उसको जाति से बाहर कर देते हैं। ठीक है, तो मुनरी ने यह बात चतुराई से सरदार तक पहुँचा दी कि गोधन पंच लाइट जलाना जानता है। सभी पंच सोच विचार में पड़ गए कि गोधन को बुलाया जाए कि नहीं, क्योंकि वो तो लोग उसका हुक्का पानी बंद कर रखे थे ना, इसलिए वो लोग सोच विचार में पड़ गए। अंत में निर्णय लिया गया, सरदार ने छड़ीदार को भेजा, लेकिन छड़ीदार के कहने पर गोधन लाइट जलाने नहीं आया। बाद में गुलरी काकी गोधन के पास गई, उसे मनाकर ले आई। गोधन ने अपनी होशियारी से गरी के तेल की सहायता से पंचलाइट जला दी। ठीक है, गोधन ने बड़ी ही होशियारी से उसने गरी के तेल से पंचलाइट को जला दी। पंचलाइट के जलने पर सभी लोगों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई, सभी लोग बहुत ही प्रसन्न हो गए कि पंचलाइट जल गया। पंच गोधन को पुनः जाति में ले लेते हैं, उसे जो जाति से बाहर किए थे उसे वो लोग जाति में ले लेते हैं। गोधन ने सबका दिल जीत लिया, वो लाइट जला के सबका दिल जीत लिया। मुनरी ने भी प्रेम दृष्टि से गोधन की ओर देखा। अंत में गुलरी काकी ने गोधन को रात के खाने पर बुलाया, उसने गुलरी काकी ने गोधन को माफ़ करके रात के खाने पर उसे बुलाई थी। ठीक है, और आगे देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। सरदार ने गोधन से कहा, तुम्हारा साथ खून माफ़, खूब गाओ सलीमा का गाना। वो जो सलीमा का गाना उसके घर से मुनरी के घर से गा के निकलता था, उसे गा के खूब निकलो तुम। मतलब सरदार ने ये बात कही कि तुम्हारा साथ खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। ठीक है, तो ये हमारी पंचलाइट कहानी का सारांश था। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लोग इसको ब्लैक पेन से लिखिएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग लिखिए, बोर्ड एग्जाम में पूरे अच्छे नंबर मिलेंगे आप लोगों को। राइटिंग पर फिर से ध्यान दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।